दोस्तों, इस 15 अगस्त पर मैं कुछ कहानी आपके सामने ला रहा हूं, छोटी छोटी, जिसको आप देख भी सकें और समझ भी सकें। आज मैं आपके सामने बात करूंगा हवलदार भगवान दास जी की। हवलदार भगवान दास जी बीएसएफ में तैनात थे और ये पुत्र थे स्वर्णदास और रहने वाले थे गढ़वाल गांव, जो कि जिला सांबा में पड़ता है। भगवान दास जी का जन्म 5 अक्टूबर 1954 को गढ़वाल में हुआ। इनमें बचपन से ही देश सेवा करने की ख्वाहिश थी, जज्बा था, और इसलिए शायद ये हर भर्ती देखते थे। और एक दिन वो समय आया और वो दिन था 1 जुलाई 1971 का, जब इन्होंने ज्वाइनिंग डाली बीएसएफ में। मैं आपको बता दूं, भगवान दास जी के दो पुत्र हैं, एक का नाम है अश्विनी शर्मा और दूसरे का नाम है मोहनलाल शर्मा। और उनके जो छोटे पुत्र हैं मोहनलाल शर्मा, वो भी देश सेवा कर रहे हैं। इनकी मेहता फैमिली में तुलसीदास, राजकुमार, ओम प्रकाश, विनोद कुमार, राकेश कुमार, श्री बिशन दास, कमलेश कुमारी, बहुत सारे इनके रिलेटिव हैं। और इनके अंतिम संस्कार में दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, जो भी इनके चाहने वाले थे, जो भी इनके दोस्त थे इनके चाहने वाले। 24/5/1923 को हवलदार भगवान दास का देहांत होता है और आप देख रहे हैं कि भगवान दास जी को सलामी देने के लिए बीएसएफ पहुंची थी। हाँ।